कंगना रनौत को कल पहुंचना है मुंबई, लेकिन मुंबई पहुंचने पर कंगना रनौत के सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कंगना का कल कोरोना सैंपल लिया गया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो रद्द हो गया है, दोबारा सैंपल देना पड़ सकता है, और अगर दोबारा सैंपल हुआ तो कल कंगना मुंबई नहीं जा सकती है। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें कंगना रनौत से जुड़ी, महाराष्ट्र विधानसभा में कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार किया गया है। दोनों सदन यानी महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद में नोटिस स्वीकार किया है कंगना रनौत के खिलाफ। सीधा रुख करते हैं विशाल ठाकुर का, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, कंगना रनौत के कोरोना टेस्ट से जुड़ी क्या अपडेट इस वक्त की? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उन्होंने पिछले कल जो है वो कोरोना का टेस्ट करवाया था, आज उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन जिस तरह से जो हमारे पुख्ता सबूतों के हवाले से ये खबर है कि जो उन्होंने टेस्ट दिया था वो रद्द हो चुका है, यानी कि अब उनकी सैंपलिंग नहीं हो पाई है। उनके साथ जो दो और सैंपल दिए गए थे वो बिल्कुल नेगेटिव आए हैं, लेकिन कंगना रनौत का जो सैंपल दिया गया था वो बिल्कुल रद्द हो चुका है। अगर उन्हें मुंबई जाना है तो उन्हें दोबारा जो विशाल सीधा सवाल, क्या कंगना रनौत ऐसी स्थिति में कल मुंबई जाएंगी? जी बिल्कुल, इस पर बिल्कुल संयंस बना हुआ है कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या वो दोबारा जो है अपना टेस्ट करवाएंगी, अभी तक इस बात को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से उनका सैंपलिंग जो ली गई थी वो फिलहाल जो है सत्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो रद्द हो चुका है। आप नजर बनाए रखिए विशाल, आगे भी आपसे रुख करेंगे, आपसे तमाम अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर कंगना रनौत के कोरोना सैंपल से जुड़ी हुई। दूसरी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र विधान भवन के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद में ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। दरअसल में कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी, उसी पर यह प्रिविलेज मोशन स्वीकार किया गया है। यानी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधान परिषद में कंगना रनौत को तलब किया जा सकता है। और जो तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कंगना रनौत से जुड़ी, वो बीएमसी से जुड़ी है। बीएमसी की कल गुंडागर्दी देखने को मिली थी, और आज बीएमसी के नोटिस पर कंगना रनौत ने अपने वकील के जरिए लिखित जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि उनके मुंबई ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है और उन्होंने बदले की किसी कार्रवाई को रोकने की मांग की है। तो लगातार यहां पर जो सरकार की एजेंसियां हैं उनकी तरफ से गुंडागर्दी देखने को मिली। क्या कुछ कंगना का जवाब है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। कल मुंबई जा रही हैं कंगना रनौत, जवाब के लिए 7 दिन का टाइम मिले, बदले के तहत किसी भी कार्रवाई को रोका जाए। बीएमसी अधिकारी ने बाकायदा धमकी दी थी, जिसका जिक्र कंगना रनौत ने अपने ट्विटर में किया था, इसका भी जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि कानून के खिलाफ जाकर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो ट्वीट कंगना रनौत ने किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना ने कहा है कि बीएमसी ने मेरे खिलाफ कैविएट फाइल की है, वो मेरा घर तोड़ने के लिए बेचैन दिखते हैं, वो घर जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ सालों की मेहनत के बाद उसे बनाया है।